गुड मॉर्निंग। देखिए आज सर हम बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक ले रहे हैं, डिएक्शन प्रोडक्ट उपयोग, डिएक्शन का कौन कौन सा प्रोडक्ट उपयोग करने से नस यानी भेन का समस्या खत्म हो जाता है। देखिए आज गठिया का समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है, कारण क्या है, क्योंकि हम लोग को अलग अलग टॉपिक पे क्या होता है कि वीडियो बनाने का मौका मिलता है, तो हम आज आपको बताएंगे कि भेन जैसे कि नस का समस्या क्यों आ जाता है। देखिए ये हम लोग का क्या है, ये भेन है। अब भेन में कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये हम लोग का भेन है, तो भेन में आखिर ये समस्या क्यों आ जाता है, आपका दर्द क्यों होता है। तो देखिए कि कभी कभी हम आप देखते होंगे कि हाथ जैसे आपका, जैसे हम लोग अभी खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है कि हाथ में लग जाता है। हाथ में जब ही आपका लगेगा तो पहला क्या हो जाएगा कि हाथ में जब ही आपका लगेगा तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है कि जब खाना खाते हैं तो हाथ में क्या हो जाता है, लग जाता है। तो ये जाके आपका ब्लड में भी सर्कुलेट होता है, ब्लड में भी सर्कुलेट होता है। तो जब ये आपका ब्लड में कहीं आपका ये कोलेस्ट्रॉल आपको लगेगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो भेन के अंदर क्या होगा, एक दवाल परत बनाना शुरू कर देता है। ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो आपका तेलीय पदार्थ का परत बनाना शुरू हो जाता है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन इसको घुसता है, जब ये ब्लड जाता है तो ब्लड में क्या होता है, जैसे कहीं अवरुद्ध है तो क्या करेगा, नस को हल्का फैलाएगा। वहीं पर क्या होता है कि भेन का आपका क्या होता है कि शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये आपका क्या हो गया कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, मतलब हो गया कि ज़्यादा जो खाना हम लोग खाते हैं जैसे चर्बी वाला भोजन खाएं, तो उसके कारण से क्या होता है कि जब ये परत बनाएगा तो जब ये इसमें क्या होगा, जब ब्लड जाएगा तो इसमें क्या होगा, अवरुद्ध होगा, जो आपका ये टोटल चीज़ है इसमें क्या होगा, अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो अभी बहुत सारा आदमी, बहुत आदमी को देखिएगा कहीं पर यहाँ पर भेन में नस का ही आपका पैर का भेन आपका दर्द करने लगता है, किसी का कमर का करने लगता है। कारण क्या है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जो ब्लड का जो सही रूप से सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, ये RG है, एक GL है। तो ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए हम बहुत शॉर्टकट में आपको बताते हैं। ये RG के बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि RG का काम क्या है कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना, जो कचरा आपके शरीर में जाता है उसका काम क्या है कि डिटॉक्सीफाई करना। आप जब ये इसको जब RG आप लेते हैं तो RG का काम क्या है कि धीरे धीरे ये क्या करेगा, जो अंदर में जो आपका ये आपका जो आपका ये चर्बी वाला जो बढ़ गया है, ये RG क्या करेगा, जब ये RG लीजिएगा तो RG का काम क्या है, इसका काम है कि ये 20 मीटर की रेंज से क्या करता है, कचरे को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो आपका भेन के अंदर जहाँ पर भी आपका कचरा बैठा हुआ है पूरे शरीर से, अगर ये RG अगर आप एक सुबह शाम लेते हैं, इसका काम क्या है कि अंदर के भेन में जो आपका चर्बी जमा हुआ, जो गंदगी चीज़ जो जमा हुआ, इसको धीरे धीरे क्या करेगा, ये साफ कर देगा। तो पहला RG का काम क्या है कि शरीर को डिटॉक्सीफाई करना। तो शरीर में अगर किसी भी तरह का भेन का समस्या है, गठिया का जो जिसको हम लोग गठिया भी बोलते हैं, शरीर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा भेन का, तो भेन में अगर अंग्रेजी दवा में जाइएगा तो कुछ दिन इसको क्या करेगा, अंग्रेजी दवा का काम क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को दवा देना। मैं इसका काम क्या है कि जब ये इसको लीजिएगा तो ये अंदर का जो भी गंदगी को साफ करेगा, धीरे 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 क्या है ये गंदगी को साफ कर देगा। जब ये गंदगी इसका साफ होगा तो शरीर में क्या आएगा, कनी हल्का क्या हो जाता है, कमजोरी आना शुरू हो जाता है। ये RG का काम क्या हो गया कि भेन में से जो कचरा था इसको साफ कर दिया, और ये जो आपके शरीर में जो पोषक तत्व कमी था ये आपको GL प्रदान कर दिया। तो कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है, ये RG GL है। साथ में अगर आपको ज़्यादा दर्द बुझा रहा है, जिस जगह में ज़्यादा दर्द बुझा रहा है, ये तुरंत आपको काम नहीं करेगा। अगर RG GL बात करिएगा तो 3 महीना भी लग जाएगा, किसी को 6 महीना भी लगेगा। तो साथ में क्या है, इसको कहिएगा आप लगाने के लिए, ये क्या है आपका गेनो मसाज ऑयल है। क्या है, गेनो मसाज ऑयल। इसका काम है जैसे जहां आपका शरीर में दर्द हो रहा है, जो नस आपका दर्द कर रहा है, ये तो हो गया आपको अंदर से साफ करेगा, और ये दर्द जो आपको बाहर से बुझा रहा है कि दर्द बुझा रहा है, इसको क्या करिएगा एक कटोरा में ले लीजिएगा, और ये नस पर कभी भी प्रेशर मत मारिएगा। हम आप क्या करते हैं, नस पे जाके क्या करते हैं, प्रेशर मारते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर मारिएगा तो वहाँ नस आपका फ्रैक्चर भी कर जाएगा। इसीलिए कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये पाम ऑयल लगा के और ये गेनो मसाज ऑयल लगा के इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ये दोनों जब लगाइएगा तो नस क्या होता है कि बहुत सारा कंडीशन में क्या होता है कि नस चिपक भी जाता है, वहाँ जाके क्या हो जाता है, ज़्यादा अथी करिएगा तो सट जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए कोई बांस का मान लीजिए आपका बत्ती है, देखते होंगे उसको लिबाते हैं तो आपका पका हुआ रहता तो टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। क्यों डालते हैं, पानी में जब ये डालने के बाद इसको घुमाइएगा तो घूम जाएगा, टूटेगा नहीं। तो पाम ऑयल प्लस इसको दोनों को मिक्स करके जब ये इस दोनों को लगाइएगा, ये भेन में कहीं आपका चिपका हुआ है, जब ये इसको लगाइएगा तो इसको क्या करेगा, फुलाएगा। फुलाने का मतलब क्या है, जो ये नस आपका सटा हुआ था तो पाम ऑयल क्या करेगा, इसको लूज करेगा।
लूज करने का मतलब क्या हो गया कि वो लीव जाएगा, मतलब कि अगर ज़्यादा भी आप ऐसे ऐसे करिएगा तो जो दर्द का समस्या वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेन इसका काम क्या है, ये तो दर्द में काम करेगा बहुत अच्छा, और मेन जो RGGL है, जहाँ जहाँ आपका नस में कोई चीज़ अवरुद्ध है, एक एगो चीज़ नहीं रहता, किसी का ब्लड में जैसे हम आप खाना खाते हैं तो हाथ में लग जाता है, ये ब्लड में भी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ज़्यादा किसी को कदी लग गया, यहाँ कदी लगते लगते उसको पूरा ब्लॉकेज कर दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं BP का भी समस्या आ जाता है। अगर ये धीरे धीरे करेगा तो ये नस अवरुद्ध करेगा तो क्या होता है, कभी कभी नस फट भी जाता है, ठीक है। तो मेन हम लोग को अगर नस का समस्या है उसमें RGGL देना जरूरी है, साथ में इसको पकेचा आपका मसाज ऑयल और ये आपका जो है आपका ये पेस्ट है, दोनों मिक्स करके लगाना भी जरूरी है। साथ में अगर आपको ज़्यादा दर्द का समस्या होता है, दर्द उसके शरीर में रहता है, तो हम लोग को क्या है कि साथ में आपको नूनी जी देना जरूरी है। नूनी का काम क्या है, इसका काम क्या है, टी सेल निर्माण करना, मतलब कि कोई अगर आपका वेन आपका डैमेज हो जाता है, जैसे बहुत आदमी का आपका डैमेज होने का कारण क्या है कि ये दोनों देखिएगा, बहुत आदमी क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा आपका नस क्या हो गया है, चप गया, चप मतलब क्या हो गया कि आपका नस आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि इसको आप क्या करिए, बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, नहीं होता अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो आप यहाँ क्या करिए, इसको कर लीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए, हो गया, अब यहाँ आपका इसमें मिला लीजिए, भाई बाईपास सर्जरी आप कितना जगह करवाइएगा, समस्या तो ये भी है। मजनूनी जी का काम क्या है, इसका काम है कि टी सेल निर्माण कर देना, मान लीजिए कहीं पर भी आपका आपका नस डैमेज है, तो डैमेज का इसका काम ये क्या है कि आपका नया सेल आपका बनाने का काम करता है। तो अगर आपका ज़्यादा अगर समस्या रहे तो हम बताएंगे आपको जो आपका भेन वाला समस्या है, कम से कम ये 4 कम से कम RGGL आपको देना जरूरी है, साथ में आपका ये गेनो मसाज ऑयल और ये क्या कहते हैं पेस्ट लगाने के लिए देना है। अगर आपको पीने के लिए देना है तो चाय इसको दीजिए, चाय पीने के लिए, और नूनी जूस, कम से कम नूनी जूस, ये आपका नस वाला जो समस्या रहता है, तो हम आप लोग बताएंगे 4-5 प्रोडक्ट दीजिए, क्योंकि नस का जो समस्या होता है इसका कहीं इलाज नहीं है। पहला तो ये समझ लीजिए, नस का जो उपयोग होता है, भेन का जो समस्या होता है, इसका आपका कहीं पर भी अगर बात करिएगा तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया भी कहीं जाइएगा तो ये भेन का नस का समस्या का इलाज कहीं भी अंग्रेजी दवा से आपको नहीं होगा, जब भी होगा तो कौन चीज़ होगा, आयुर्वेदिक से ही होगा। तो मेन हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट है, अगर भेन के लिए जैसे मेरे ही टीम में एक आपका पारस भारती थे, जब एक बार हम गए थे तो उसका भी भेन का समस्या था, 2 हम आपको बता देते हैं, वो क्या करते थे, जब ऐसे बैठे हुए रहते थे तो भेन वाला का जो होता है जब ये खड़ा होइएगा तो खड़ा नहीं हो पाता, अब देखिएगा कुछ देर ऐसे ऐसे करके जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है एकाएक वो उठ नहीं पाता है, उसके कारण से क्या होता है कि वो बहुत जगह इलाज करवाए थे। संजोग हम मिल गए, एक जगह मेरी मान लीजिए दादी का था, उसमें हम लोग कहीं कार्यक्रम में गए थे, उसी में मिल गए, और इसको हम उस समय हम क्या किए थे, ज़्यादा हम प्रोडक्ट नहीं चलाए थे, RGGL साथ में आपका ये स्पायरलूना चलाए थे, और एक अगर बात करिएगा तो ये चलाए थे, 4 प्रोडक्ट हम चलाए थे। आज अगर बात करिएगा तो पूर्ण रूप से वह स्वस्थ है। तो भेन वाला समस्या में कभी भी किसी को अंग्रेजी दवा से 100% सही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को साथ में अभी इसीलिए आपको चाय पत्ती और स्पायरलूना दे देना है, कारण क्या है कि आज के डेट में क्या है कि अगर हम आप अगर ये चाय पत्ती और नूनी नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का भी चाय पिएगा। आज 90% क्या है, समस्या क्या हो जाता है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट साथ में देते हैं तो साथ में आप लोग ये दिमाग में लगाइएगा, जब भी प्रोडक्ट देते हैं तो 90% इलाज का बीमारी का जड़ क्या है, चाय। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं तो हर एक जगह क्या कहता है कि चाय पीने के लिए, मगर हम लोग का ये चाय क्या है, इसका काम भी है डिटॉक्सिफाई करना, इससे भी नस का समस्या खत्म हो जाएगा, मगर क्या हो जाएगा उसमें टाइम लग जाएगा, इससे भी हो जाएगा। अगर आप RGGL नहीं भी दीजिएगा तो चाय भी खत्म कर देगा, मगर हम प्रयास करेंगे नस वाला जो समस्या हो गया, जो आपका डायबिटीज हो गया, BP हो गया, लकवा जो बड़ा समस्या है, उसमें आपको क्या करना है कि RGGL देना जरूरी है। साथ में अगर आप चाहते हैं तो आपको ये 4-5 प्रोडक्ट जैसे स्पायरलूना हो गया, नूनी हो गया, ये 4-5 प्रोडक्ट आपको देना जरूरी है। अब देखिए इसमें बहुत सारा आदमी का क्वेश्चन होता है कि सर आज तक कि जो भेन का जो समस्या होता है, नस का समस्या होता है, तो डॉक्टर भी कहता है कि जब तक दवा लेंगे तब तक सही रहेगा, नहीं तो अगर दवा छोड़िएगा फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत आदमी का क्वेश्चन ये भी रहता है, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो भी भेन का समस्या होता है, नस का समस्या होता है, तो किसी भी अंग्रेजी दवा का काम क्या है, अंग्रेजी दवा का काम क्या है, 90% अंग्रेजी दवा का काम क्या है, बीमारी को दबा के रखना। जो भी भेन का समस्या रहता है जब तक वो दवा खाएगा तब तक वो क्या रहेगा, उसका सही रहेगा, जब ये आप दवा छोड़िएगा फिर क्या हो जाएगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन आपको लेना है तो कम से कम हम कहेंगे आपको RGGL स्पायरलूना और कम से कम आपका ये लगाने के लिए कम से कम रेगुलर 3 से 6 महीना पेशेंट को कहिए लगाने के लिए। और 110% अगर आपका इसका नस का समस्या है, बहुत आदमी नस हो गया, हम लोग भेन भी कहते हैं, तो आपका अगर नस संबंधित अगर समस्या है तो 4-5 प्रोडक्ट यहाँ से उपयोग करिए और 100% क्या हो जाएगा कि आपका जो दर्द, क्योंकि आज दर्द बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दर्द का ज़्यादा टैबलेट खाइएगा तो आपका किडनी भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए हम सबको बताएंगे जो भी डिएक्शन का प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं, अगर नस संबंधी समस्या है उसमें RGGL आपको देना जरूरी है, क्योंकि एक जगह हो सकता है कि अगर नस का अगर बात करिएगा, यहाँ नस को निकालिएगा तो यहाँ से कहाँ तक चले जाएगा जानते हैं, यहाँ से अगर करिएगा तो लगभग 1000 किलोमीटर ये हम लोग का शरीर का नस निकालिएगा तो चले जाएगा। साधारण चीज़ नहीं है नस, मज इतना भेन छोटा है, तो मज इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि ये RGGL क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये नहीं समझता है कि भैया आपको ब्रेन का नस है कि लीवर का हार्ट है कि किडनी का है कि आपका पैर का है, ये पूरे शरीर पे काम करता है। इसीलिए पेशेंट को हम कहेंगे जो आपका नस का समस्या जिसको रहेगा इसको कम से कम RGGL आपको देना जरूरी है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जो भी आदमी इस समस्या से आप ग्रसित हैं तो कम से कम हम आपको बताएंगे, कम से कम आप मिनिमम अगर यहाँ जो भी प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो मिनिमम 3 से 6 महीना आप खाइए। हम आप क्या करते हैं, 1 महीना उपयोग करते हैं, 2 महीना क्या करते हैं प्रोडक्ट छोड़ देते हैं और जाके मार्केट में क्या रूमर उड़ाते हैं कि सर हम तो खाएं मगर सही नहीं हुआ। इसीलिए जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे आग्रह है कि मिनिमम आपको क्या करना है कि मिनिमम 3 से 6 महीना आपको प्रोडक्ट उपयोग करना है। और आपको क्या करना है, अगर 3 महीना 6 महीना उपयोग करने के बाद आपको लगे कि हमको, जैसे बहुत आदमी क्या लगता है कि सर हमको दर्द ख़त्म नहीं हुआ, तो मेरा मोबाइल नंबर भी आपका यूट्यूब पर डाला हुआ है, चाहे आप डायरेक्ट मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे मेरा नंबर हो गया 800-800-20-75-813। आप क्या करिएगा इस नंबर पे संपर्क भी करिएगा, क्योंकि आप हर एक आदमी क्या होता है अलग अलग तरह का समस्या होता है, तो हम कहेंगे आप लोग 800-20-75-813 पे अगर बात करिएगा तो हम आपसे क्या करेंगे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का अगर और ज़्यादा आपके शरीर में समस्या होगा उस नंबर पर आप प्लीज़ कॉल करिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करिए, लाइक भी करिए, वीडियो की शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि देखिए आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आज के डेट में जब तक वीडियो हम लोग का अच्छा नहीं चलेगा तो हम लोग जैसे अभी देने का प्रयास करते हैं, आने वाला समय में आपका 6 महीना साल भर के बाद क्या करेंगे कि क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग का वीडियो अगर बात करिएगा तो बहुत जगह से कॉल आता है, हम लोग को बहुत खुशी होता है, आज नीलम देवी हो गया, सुनील जी हो गया, हम लोग का आज जितना भी हम लोग हाई लेवल कहीं आए हैं, कहीं हम लोग का मनोबल ऊंचा हुआ है तो यूट्यूब से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज यूट्यूब का अगर बात करिएगा तो एक अच्छा अच्छा परिवार कौन आता है यूट्यूब पर, यूट्यूब पर कॉन्शस कौन है, जो परिवार आपका एडवांस है वही आदमी क्या करता है कि मोबाइल नंबर खोज के करता है। तो हम लोग को गर्व होना चाहिए, जो भी आज वीडियो बना रहे हैं हर एक आदमी को गर्व होना चाहिए कि आज यूट्यूब के माध्यम से हमको क्या हो रहा है कि आज पहले मेरा बिजनेस कहाँ था, अगर बात करिएगा मधुबनी जिला में था, कैसे सहरसा में था, सुपौल में, आज मेरा कहाँ गया, दिल्ली चले गया, कलकत्ता चले गया, मुंबई चले गया, कतर चले गया, बांग्लादेश चले गया, सऊदी। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस तरह का अगर आपका आज प्लेटफॉर्म मिला है तो प्लेटफॉर्म मिलने का कारण क्या है, यूट्यूब। तो हम चाहेंगे जो भी मेरा सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। अगर एक वीडियो में अगर शेयर करने में क्या जाता है, क्योंकि लास्ट में कहा भी जाता है अगर आप वीडियो को शेयर करिएगा इससे क्या होगा, आपका जो वीडियो देखने का भला हुआ हुआ मज अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरे आदमी का भी भला हो सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग।